नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश प्रिया सिंह के साथ। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कैसे किसी की मन की बात जान जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण की बात करें तो पिछले 2 महीने से उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि वह किसी की भी मन की बात जान लेते हैं और इसी के कारण उनके दरबार में लाखों की भीड़ लगती है और देश में कोने कोने से लोग आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी भी आदमी की मन की बात कैसे जान लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे जान लेते हैं किसी के मन की बात। आपने भी ये सोचा होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं जिसके चलते वह उनके दरबार में जो भी आता है वो उनकी बात जान लेता है और उनको देने वाली पर्ची में लिख देता है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनको भीतर से आभास होता है, यानी बागेश्वर बालाजी उनके दादा और हनुमान जी की कृपा से किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान लेते हैं। छतरपुर में हुआ था जन्म। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। उन्होंने छतरपुर के स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है। बाद में उन्होंने प्राइवेट से अपना स्नातक बीए में किया। बता दें कि उनके दादा भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु थे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा दी। उनके दादा निर्मोही अखाड़े के सदस्य थे। उनकी मृत्यु के बाद धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख बने।